सो हाय गाइस, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम एक प्यारी सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में जो बहुत ही शानदार होने वाली है, बिकॉज कल है आपकी मंथली एक्सपायरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की कंबाइंड एक मंथली एक्सपायरी, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे मूव्स आने के चांसेस हो सकते हैं। इसको याद रखिएगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट आपने मिस करा तो समझ लीजिए कल के दिन में आपने बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए। अब आप समझ सकते हैं इस बात को, इसको भूलिएगा मत बिल्कुल भी। तो चलते हैं गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं फुल पोटेंशियल के साथ। और आज का दिन एक तरीके से किसी भी एंगल से एक्सपायरी का से कम डे नहीं था, जितने लोगों ने भी आज के दिन में एनालिसिस एंड एवरीथिंग के हिसाब से ट्रेडिंग करी थी और लाइव स्ट्रीम में इंटेलिजेंट ट्रेडर्स के साथ जुड़े हुए थे, वो सभी लोगों ने क्या ही शानदार तरीके से आज अपने प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग को बनाने की कोशिश करा। आज का दिन मतलब एक तरीके से वही बोला मैंने कि किसी भी एंगल से आपका किसी भी एंगल से एक्सपायरी से कम नहीं था, बल्कि मैं तो कहूंगा कुछ केसेस में ज्यादा ही अच्छा था। इसको याद रखिएगा आज के दिन में, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे एंड 100 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे, मतलब लगभग लगभग 300 पॉइंट्स प्लस का मिनिमम रैली सबको प्रोवाइड करी गई थी। मैं सेकंड हाफ का तो काउंट भी नहीं कर रहा, सेकंड हाफ में भी लोगों ने यहाँ पे बुलिशनेस बनाई थी। इसको ब्रेकआउट के बाद 3:05 के ब्रेकआउट के बाद भी लोगों ने बुलिशनेस बनाई थी, उन सब में भी 60 60 पॉइंट्स मिले थे, यहां पे भी 100 100 पॉइंट्स मिले थे। बट अगर उसको भी छोड़ दो आप, तब भी स्टार्टिंग ऑफ द डे में ही आपको लगभग 300 पॉइंट्स का एनालिसिस मिल चुका था। कितने लोगों ने इस 300 पॉइंट्स में से कितना कितना पॉइंट्स कैप्चर करा आप लिखिएगा कैप्चर, एंड अपना आगे कितना पॉइंट्स आपने आज के दिन में कैप्चर करा वो आप जरूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहता हूँ सबके कमेंट्स को कि कौन कौन लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस किया। एंड हम लोग की एनालिसिस एकदम प्योरली फंक्शनल होती हुई दिखी थी, जो जो हम लोग के लेवल्स आपको कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करे थे। बट देखो, मैंने इतना अच्छी तरीके से आपको लेवल्स शेयर करा, सब कुछ बताया, बट लाइक्स नंबर 339। गाइस, इतनी मेहनत करने के बाद इतना अगर कम लाइक्स मिलेगा तो मुझे मजा नहीं आता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो प्लीज काइंडली आप कम से कम यार कम से कम मिनिमम 600 रखा करो लाइक्स को, चेक करा करो, शेयर करके करवाया करो कैसे भी करके, बट ये आपका काम है। तो 600 लाइक्स मिनिमम करो। देखो आपको कितना शानदार तरीके से लेवल्स निफ्टी बैंक के भी दिए गए थे एंड निफ्टी के भी दिए थे। ये देखो निफ्टी बैंक के लेवल्स, निफ्टी बैंक के लेवल्स आपको जो दिए गए थे, ये दिया गया था वहां पे ऐड आ गया निफ्टी बैंक में। आप देखोगे तो ये जो लेवल्स आपके साथ शेयर करा गया था उस पे मार्केट आया एंड उसी पे डायरेक्टली अच्छी तरीके से सपोर्ट बनाने की कोशिश करा एकदम शानदार तरीके से। तो एक अच्छी अच्छी एनालिसिस आपको मिलती हुई दिखी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो निफ्टी बैंक का ये लेवल आपके सामने शेयर करा गया था एंड मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुला, इसी पे सपोर्ट बनाया एंड हमने यहाँ से लॉन्ग करा। सिंपल सा एनालिसिस, इसी पे सपोर्ट बनाया, हमने यहाँ से लॉन्ग करा, ठीक है? एंड पूरा हम लोग को लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे मिला। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर यहाँ पे एक गामा ब्लास्ट वाली एनालिसिस को लिया गया एंड इसमें हम लोग को मिला लगभग 200 पॉइंट्स का प्रीमियम इंक्रीमेंट। तो मतलब इट वॉज अ वेरी 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 गुड डे फॉर अस टूडे, इसको ध्यान दीजिएगा। होप करता हूँ आपने भी अच्छे पॉइंट्स को निकाले होंगे। और इतना अच्छा प्रॉफिट होने के बाद लोगों ने पूछा, सर कैसे आप लेवल्स को ड्रॉ करते हो? तो मैंने आपको यही बताया कि लेवल्स ड्रॉइंग की मैंने एक शानदार क्लास एंड ये बड़े बड़े ट्रेड्स को कैसे होल्ड करते हैं, इसकी एक शानदार पॉइंटर क्लास आपके लिए बना के रखी हुई है। जिन्होंने भी नहीं लिया है वो लोग फटाफट से ले सकते हैं। आपका सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, प्रीमियम मेंबरशिप महाक्लास। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आज स्पेशल कूपन कोड चल रहा है तो उसको अप्लाई करो प्रॉफिट कूपन कोड को एंड आप अपना लेने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि इस क्लास में आपको सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को बनाने के बारे में बताया गया है। प्रॉफिट कूपन कोड को अप्लाई करो, 20% ऑफ को लो एंड फटाफट से अपना पढ़ाई करना शुरू कर दो। ओनली 9 सीट्स बची हुई हैं, जल्दी अपनी बुकिंग करवा लीजिएगा गाइस, ठीक है? अब चलते हैं कल की मार्केट को हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं, उन सब के बारे में देखना शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहली बात तो आज ओआई डाटा आपका प्योरली एकदम हर एंगल से बुलिशनेस को बोल रहा है, मतलब किसी भी साइड से निफ्टी या बैंक निफ्टी आपकी बेयरिशनेस को नहीं बोल रहा, सिर्फ पुट साइड का वाई बैठा, सिर्फ पुट साइड का वाई बैठा एंड अंधा प्रॉफिट बनाया। ऑप्शन चेन को भी आप देखने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन चेन में भी आपको साफ सुथरा यही दिखेगा कि पुट साइड के राइटर्स आपके काफी सारे प्रेजेंट थे। देखो 2,000, 4,000, 5,000 प्रेजेंट थे एंड उन लोग ने अंधा प्रॉफिट बनाया चेंजेस में। एंड यहां पे भी आप देखोगे बहुत ज्यादा चेंज इन हुआ, मतलब पूरे पुट राइटर्स ही भाग के प्रेजेंट थे, ठीक है? इसीलिए मुझे एक पॉइंट बहुत शानदार लगता है, कल अगर मार्केट में खुलता हुआ दिखेगा गैप डाउन, कल अगर गलती से भी मार्केट गैप डाउन खुला तो समझ लो एकदम एक्सपायरी अफरा तफरी मचने वाली है, मजा आने वाला है गाइस। मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा बट इतना समझ लेना, अगर गैप डाउन खुला तो आपको शानदार तरीके से मौका मिलेगा प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग को बनाने का, ओके? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा कि आपका ग्लोबल मार्केट क्या शो कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखोगे तो यूरोपियन मार्केट भी काफी अच्छा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, डैक्स एंड एवरीथिंग काफी अच्छी तरीके से पॉजिटिव भाग रहे हैं। और अगर यूएस मार्केट के फ्यूचर्स को आप चेक करने की कोशिश करोगे तो डाउ फ्यूचर्स भी काफी अच्छा पॉजिटिव है एंड नैसडैक फ्यूचर्स भी काफी अच्छा पॉजिटिव है, मतलब हर तरफ से यहाँ पे भी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है।
फिर इसके बाद अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आपको चीजें शो करने की कोशिश करूं तो वन डे टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखेगा कि डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा से बढ़ा है, बट ये शाम को कम हो सकता है। बट अगर आप इंडियन मार्केट के प्राइजेक्शन को वन डे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करोगे तो आपको साफ सुथरा दिखेगा प्योरली डोमिनेंट डोमिनेंस, एक तरीके से मतलब फुल डोमिनेंस नेचर के साथ, डोमिनेंट नेचर के साथ बुल्स ने मार्केट को आज गैप अप खोल के खींचा हुआ था। एंड बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा गैप अप खोल के मार्केट ने बुलिस साइड में खींचने की कोशिश करा है। तो अभी हर तरफ मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ ही दिख रहा है और हम लोग पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंथ ही के साइड का ट्रेड भी देख रहे थे एंड शानदार आज की मार्केट की हम लोग को क्लोजिंग मिलती हुई दिखी। अब कल की मार्केट में हम लोग के क्या क्या लेवल्स होंगे उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक्स करते चलो, 600 लाइक्स मिनिमम होने चाहिए, इसको ध्यान देना ठीक है। एंड फुल पोटेंशियल के साथ अब आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। तो कल के मार्केट के सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को ड्रॉ करने से पहले एक चीज और मैंने आपको दिखाना भूल गया कि कुछ लोग बोलेंगे कि कहां इतना अच्छा प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं एक ही आपको 43,000 एट द मनी का, 44,000 एट द मनी का प्रीमियम से दिखाऊंगा। सुबह के टाइम पे आपका लगभग लगभग 245 रुपीज के आसपास था, वहां से आपका मारा था हाई 438 रुपीज का इस सेकंड वाले मूव में, इस सेकंड वाले मूव में ठीक है। इस फर्स्ट वाले मूव में आप देखोगे अगर 935 के आसपास हम लोग ने आपको एनालिसिस शेयर करा गया था, 935 के आसपास आप प्रीमियम्स को देखोगे तो ये चल रहा है, ये प्रीमियम्स 172 रुपीज का था एंड लगभग लगभग 100 पॉइंट्स का 272 रुपीज का स्पाइक मारा था। आप इसमें देखो वो भी कहीं पे भी रिवर्सल भी नहीं लिया कि आप बुक कर रहे हो, आप आराम से होल्ड कर सकते थे। इसीलिए मैंने आपको होल्डिंग वाली क्लास में आज डिस्काउंट भी दिया है कि लोग सीख सके कैसे होल्डिंग एंड एवरीथिंग को करते हैं ठीक है। तो गाइस शानदार वाला प्रीमियम इंक्रीमेंट आप लोग को मिला, होप करता हूं आपको मजा आया होगा। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट लेवल्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग एकदम खुश हो गए थे आज, बहुत ज्यादा खुश हुए थे क्योंकि आज अच्छा प्रॉफिट्स मिला था, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आज आप लोग के लाइव स्ट्रीम पे थे, तो उनको थैंक यू सो मच गाइस अगेन, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता हुआ दिखता है। तो अब चलते गाइस निफ्टी के शानदार के ऊपर, निफ्टी के लेवल्स के ऊपर जल्दी से फोकस करते हैं। तो निफ्टी के सारे लेवल्स को आप लोग जल्दी से मार्क कर लो। सबसे टॉप लेवल 20,265, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल 20,175, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका 20,111, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका 20,019, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका 19,930 एंड फिर इसके बाद आपका 19,814। ये सारे के सारे शानदार लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करो कि आपको कल के दिन में परफॉर्म कैसे करना है। कल जैसे कि आपको पता ही है कि एक्सपायरी दोनों लोगों की है, तो आपको ध्यान देना है कि पहली बात तो बुल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है मार्केट में, बुलिश मार्केट बहुत ज्यादा ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ये बुल्स का बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लग जाएगा, तो वो लोग भी अपनी पोजीशन को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो पोजीशन बुकिंग स्टार्ट होती हुई दिखेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड ट्रैप करेगा एंड कॉल ऑप्शन राइटर्स भी अपनी पोजीशन को बढ़ाएंगे, यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेलर्स भी अपनी पोजीशन को ऐड करेंगे क्योंकि उनको पता है 200 रुपए का प्रीमियम जो अभी कल तक 200 रुपए का प्रीमियम चल रहा था वो लगभग 800 रुपए का इस टाइम चल रहा है, 800-900 रुपए का चल रहा है। तो अगर मौका मिल जाता है फिर गैप अप खुल के 1100 पहुंच जाता है तो क्या करेंगे, इनको डिक्रीज करा के लगभग लगभग अच्छा खासा डीके कराने की कोशिश करेंगे, इसको 30-40% मिनिमम डीके, तो वो लोग कॉल ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग का सिंपल है, अगर मार्केट अच्छा गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग पहले होगी, इस वाले लेवल तक मार्केट हो सकता आए फिर यहां से किसी एक साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश करे। तो गैप अप के केस में यही करना है आपको, इसको भूलना नहीं है, पहले प्रॉफिट बुकिंग में पुट साइड का एनालिसिस को लेने की कोशिश करना है, फिर मार्केट जब इस लेवल को कंप्लीट करे तो यहाँ पे साइडवेज हो तब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्ले करने की कोशिश करना है एज पर प्राइजेक्शन, वो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा ठीक है। इसके साथ साथ अगर मार्केट कल के दिन में साइडवेज खुल जाता है तो साइडवेज खुलता है तो कुछ नहीं करना, आपको पेशेंस रखना है, यहाँ पे मार्केट का कुछ भी मोमेंटम होता है तो उसको बॉक्स बनाने की कोशिश करना है और बॉक्स बनाने के बाद जिस साइड का भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो उस साइड का आपको प्ले करने की कोशिश करना है। ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करिएगा क्योंकि हर जगह बुल्स बैठे हुए हैं एंड ऑप्शन सेलर्स, पुट ऑप्शन सेलर्स भी बैठे हुए हैं, तो वो बार बार मार्केट को उठाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ब्रेकडाउन होगा तो थोड़ी क्वांटिटी साइजिंग को कम रखिएगा, और अगर ब्रेकआउट होता है तो आप जा सकते हो थोड़ी देर साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट, क्योंकि वो बहुत अच्छा मोमेंटम आपका देने के चांसेस रखेगा। लास्ट बेस्ट कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है ना गाइस तो बहुत सारे बुल्स एकदम डर जाएंगे, बहुत सारे लोग पैनिक में आते हुए दिख जाएंगे, इसको याद रखिएगा। तो दो केस सिनेरियो होगा, पहला तो ये हो सकता है कि मार्केट को यहाँ पे संभालने के लिए ऊपर की साइड भेजा जाए, सपोर्ट वपोर्ट बनाने की कोशिश करे मार्केट और फिर इस लेवल तक पहुंचे और फिर इसके बाद यहां से ब्रेकआउट दे, तो ये बहुत ही ज्यादा बुलिश मोमेंटम माना जाएगा, ये बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम माना जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद भी सपोर्ट बना के ऊपर आता है
तो ये काफी स्ट्रांग अपसाइड का वन टर्म माना जाएगा। आप अच्छी तरीके से लॉन्ग करना, बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स आपको बुलिश साइड में फिर मिल सकते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रेंथ की बहुत अच्छी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अच्छी रेड कैंडलस्टिक बनाना शुरू कर देता है, लेवल्स को मार्केट तोड़ना शुरू कर देता है लॉजिकल लेवल्स को, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे एक वीकनेस की बात है एंड पुट ऑप्शन सेलर्स भागते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि मार्केट कहीं पे भी साइडवेज हो और अगर फिर से ब्रेक डाउन दे तो वहां पे शॉर्ट साइड की कोशिश करना है, जिसमें आपका पहला टारगेट होता हुआ देखेगा 20,016 एंड अगर गलती से भी 20,000 को फिर से तोड़ देता है तो उसके बाद 19,934, ये दो लेवल को आपको लेने की कोशिश करना है। ठीक है गाइस, मैं होप करता हूं आपको पॉइंट्स एंड एवरीथिंग क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बहुत बुलिश मोमेंटम कर दिया है, तो मैं ये आपको डायरेक्टली बोल सकता कि गैप अप खुलेगा तब भी डायरेक्टली बुलिश हो जाना, प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग होने के चांसेस बनेंगे गाइस। ठीक है, एंड सेकंड हाफ में मुझे कल एक्सपेक्टेड है कि अच्छे मूव्स आएगा, तो कल की पूरी स्ट्रीम को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको मजा भी आता हुआ दिखेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। एंड गाइस, आपने प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया है ना, नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से किसी में भी फायर्स धन एलाइज ब्लू एंजल वन किसी में भी अपना डीमैट ओपन करिए एंड उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए, तो आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ जाएंगे। चलो अब आ जाता है बैंक निफ्टी के लेवल्स का। बैंक निफ्टी का सबसे टॉप का लेवल 45,065, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल 44,765, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका 44,322, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका 44,166, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल 43,439 से लेके 951, ये आपके सारे के सारे लेवल्स हैं। और एक लेवल को और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेना ना, 44,680। तो बैंक निफ्टी में भी गाइस 2 डेज के अंदर ही कह सकते हो या एक ही दिन के अंदर ही कह सकते हो 500 पॉइंट्स की मार्केट ने रैली करा। कहां कल के दिन में 43,900 के पास मार्केट अटका हुआ था और आज कहा मार्केट 44,500 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, तो आप समझ सकते हो 600 पॉइंट्स के प्लस की मार्केट ने एक रैली करा सिर्फ एक दिन के अंदर, बहुत स्ट्रांग रैली बुलिश साइड की, इसको याद रखिएगा। और आज हम लोग को भी दिया मार्केट ने छप्पर फाड़ के 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट, वो भी इन प्रीमियम्स, मतलब इंट्राडे में मार्केट ने इतना मूव करा बट प्रीमियम्स में भी इतना शानदार प्रॉफिट बहुत कम केसेस में मार्केट देता है। ठीक है, अब आपको प्ले कैसे करना है, देखो लास्ट में जो रैली आई वो बहुत ही अच्छी बुलिश रैली है। ठीक है, अगर मार्केट कल के दिन में गैप डाउन खुलता है तो आपको वही केस है कि सिंपल आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है पहले प्राइस एक्शन का। अगर साइडवेज होके मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा मोड़ा सेलिंग करने की कोशिश करना है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुल्स बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। आपका थोड़ा बहुत सेलिंग आएगी 44,300 तक की एंड वहां से फिर से एक बुलिश मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा, तो इस बुलिश वाले को या तो पकड़िएगा या तो साइडवेज होके अगर थोड़ा मोड़ा ब्रेक डाउन करता है तो बहुत कम क्वांटिटी में छोटा मोटा शॉर्ट करिएगा। ठीक है, और अगर मार्केट शॉर्ट करने के बाद इसको भी तोड़ देता है तब तो प्रॉब्लम की बात है गाइस, तब तो ये वीकनेस की बात है। अगर इसके नीचे भी रेड कैंडलस्टिक सस्टेन कर जाती है तो ये वीकनेस की बात मानी जाएगी। यहाँ पे आप अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट कर सकते हैं एंड अपना टारगेट कौन सा लेने की कोशिश कर सकते हैं 44,164 तक का। ठीक है, बट ये दोनों केस गैप डाउन के सिनेरियो में होता हुआ दिखेगा। अब अगर मार्केट आपका साइडवेज खुल जाता है तो साइडवेज में कुछ नहीं करना, बॉक्स बनाने की कोशिश करना है, ऊपर नीचे मार्केट करे उसको बॉक्स में कन्वर्ट करिए, बॉक्स का अपसाइड का ब्रेकआउट हो, वेरी गुड ट्रेड, आप बुलिश साइड जा सकते हो बिकॉज मार्केट में अभी भी बुल्स प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग है मार्केट। बुलिश साइड में आपका हो सकता है ये टारगेट लेता हुआ मार्केट दिखे, और अगर मार्केट उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है तो वेरी लेस क्वांटिटी में आपको काम करना है, इसको ध्यान देना है, क्योंकि अभी भी बुल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, वो हर लेवल पे उठाने की कोशिश करेंगे एंड आपका फालतू में स्टॉप लॉस हंटिंग होता हुआ दिखेगा, तो वो चीज मैं नहीं चाहता। एंड लास्ट द बीस्ट की नया सिनेरियो कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो सिंपल सी बात है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, देन उसके बाद अगर कोई अच्छा प्राइस एक्शन पॉजिटिविटी की साइड का दिखता है तो हम लोग को ट्राई करना है। और अगर मार्केट दो बार बाइंग साइड जाने के बाद भी नहीं जा पाता और फिर ब्रेक डाउन करता है तो वो सीवियर सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, तो उसको भी आप कैप्चर करने की कोशिश करिएगा। तो गाइज, मैं होप करता हूं आपको सारी की सारी एनालिसिस क्लियर हो गई होगी एंड आप अच्छी तरीके से लेवल्स एंड एवरीथिंग को ड्रॉ करके रेडी होगे। अब कल की मार्केट को एकदम रॉकस्टार तरीके से करना है तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड अपना जरूर से लेवल्स एंड एवरीथिंग की क्लास को पढ़ के आना। इन 9 सीट्स का यूज करो, प्रॉफिट कूपन कोड को सेकंड लिंक पे लगा के अपना जरूर से पढ़ाई करते हुए दिखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम लाइव वीडियो, मिलते हैं अब आप लोग से कल के दिन में लाइव मार्केट के साथ, तब तक ले सी यू गाइस, लव यू, माय सेल्फ अमन श्रीवास्तव टेकिंग ऑफ, बाय बाय गाइस।